वापस लो, वापस लो, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, अपनी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अपने किराए कम करो, कम करो, कम करो। सब ये चाह रहा है कि दिल्ली का किराया, मेट्रो का किराया ना बढ़े, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार जबरदस्ती किराया बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। फिर लगता है कि अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद अगर किराया बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि इनकी प्राइवेट कंपनियों से कोई साठ गांठ है, तो किराया कम नहीं होगा। हम लोग यूँ ही सड़कों पर भी और अपनी आवाज जिस प्लेटफॉर्म उस लोग उठाते रहेंगे। मैं केंद्र सरकार को बोलना चाहूंगा, ये जो उन्होंने दिल्ली की आम जनता के ऊपर बोझ डाला है, इसको वो तुरंत इस फैसले को वापस ले। ओला उबर को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना बंद करे। इस देश ने उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दे के केंद्र सरकार के अंदर बिठाया था, वो इसलिए नहीं बिठाया था कि वो अडानी अंबानी को या ओला उबर को फायदा पहुंचाए। आम आदमी की जिसको लूट कर और उन कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, इन्हें होश में आना पड़ेगा। नहीं तो ये जनता सब जानती है, 2019 दूर नहीं है, 2019 में बिल्कुल सफाया कर देगी।